हैदराबाद कर्नाटक में मुसलमानों के निकाह खुला और तलाक के मसाइल पर उलमा इकराम का एक तबका बेंगलुरु में वक्फ मिनिस्टर बीजर जमीर अहमद खान से मुलाकात कर मेमोरेंडम के जरिए इल्लीगल खाजी के खिलाफ एक्शन लेते हुए गवर्नमेंट सर्कुलर को अवाम के बीच आम करने का मुतालिबा किया गया है। आज से 2 महीने पहले गुलबर्गा हेडलाइंस के जरिए इस इशू पर एक कंप्लीट स्टोरी बनाई गई थी, जिसके बाद पूरे हैदराबाद कर्नाटक के मुसलमानों के बीच हलचल देखी गई है। दरअसल ये मसला सिर्फ खाजी और उलमा इकराम से जुड़ा हुआ नहीं है। इस मसले में हैदराबाद कर्नाटक का हर मुसलमान परेशान हो रहा है जो खाजी ऑफिस के जरिए निकाह पढ़ाया हुआ है। कर्नाटक गवर्नमेंट की जानिब से सर्कुलर जारी कर खुले तौर पर यह ऐलान किया गया है कि कर्नाटक के दीगर डिस्ट्रिक्ट की तरह अब हैदराबाद कर्नाटक के मुसलमान भी निकाह खुला और तलाक की कार्रवाई मस्जिद के जरिए करें, वरना खाजी के जरिए पढ़ाए गए निकाह तलाक और खुला की कोई अहमियत नहीं होगी। गवर्नमेंट की जानिब से आया सर्कुलर को गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड ऑफिसर ने अब तक अवाम के बीच आम नहीं किया है। हैदराबाद कर्नाटक के उलमा इकराम की शिकायत पर बीजर जमीर अहमद खान ने फोन कॉल पर गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड ऑफिसर से बात कर इल्लीगल खाजी के जरिए हो रहे निकाह को बंद कर मस्जिद के उलमा इकराम के जरिए निकाह पढ़ाए जाने को पब्लिक में आम करने का आदेश दिया है। इस मामले पर हुई बातचीत और मेमोरेंडम के जरिए किए गए मुतालिबात की तमाम डिटेल उलमा इकराम ने बताई है। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। This video presented by Manur Multi Speciality Hospital, highly qualified and well experienced doctors team for emergency and trauma care 24/7 at Bali Hills Circle Ring Road, Gulbarga. हम गुलबर्गा शहर जिला गुलबर्गा और रायचूर और बिदर, यादगीर, कोप्पल, हॉस्पिट, मुख्तलिफ कल्याण कर्नाटक के उलमा अहबाब यहाँ मिनिस्टर जमीर अहमद खान साहब से मुलाकात के लिए पहुँचे। बतौर ख़ास हमारे यहाँ जो मसाइल चल रहे हैं मस्जिद में उलमा इमाम निकाह पढ़ाने के ताल्लुक से एक आर्डर आ गया हुकूमत से जो चल रहा था, लेकिन हमारे गुलबर्गा में इसमें दुश्वारी ये पैदा हुई कि आप अगर निकाह मस्जिद में पढ़ाएंगे तो मैरिज सर्टिफिकेट हम नहीं देंगे, जिसकी वजह से और लोगों भी इस्तेमाल हो रहा था निकाह नामे में और हमारे लिए नहीं मिल रहा था तो वक्फ बोर्ड की तरफ से, तो जिसकी वजह से हम सब मिलकर यहाँ पहुँचे। अल्हम्दुलिल्लाह बतौर ख़ास हमारे मौलाना जैनुद्दीन साहब रशादी, जैनुल आबिदीन साहब रशादी और मोहतमिम वलीउल्लाह मदरसा, शाह वलीउल्लाह मदरसा गुलबर्गा ये बेंगलुरु के, और इसी तरह से हमारे जावेद पटेल साहब जो यहाँ के बहुत ही मिनिस्टर जमीर अहमद ख़ान साहब के करीबी हैं, तो इन अहबाब ने हमारा ताउन किया और हमारी तरफ से ख़ास तौर पर गुफ्तगू की। इस मामले में हमारे रायचूर के इकबाल साहब भी शरीक रहे और माहौल बनाया, तो इन दोनों अहबाब ने ख़ास तौर पर हम उलमा की तरफ से बातचीत की और ख़ास तौर पर मिनिस्टर कर्नाटक के हैं जमीर अहमद ख़ान साहब गुफ्तगू की कि कल्याण कर्नाटक के उलमा के लिए जो दुश्वारियाँ इस वक्त पेश आ रहे हैं निकाह मसाजिद में पढ़ाने से मुतालिक, उनका मैरिज सर्टिफिकेट देने से मुतालिक और किताब निकाह नामे के अंदर कर्नाटक वक्फ बोर्ड का लोगो इस्तेमाल करने से मुतालिक जो मसाइल पैदा हो रहे हैं, इन सारे मसाइल को उलमा के लिए हल कर दिया जाए। बहुत पुरजोर अंदाज से बात की उन्होंने, इसलिए उन्होंने वादा किया है कि बस 2 चंद दिन के अंदर सारे उलमा के लिए हम काम करेंगे। ये बहुत ही इत्मीनान बख्श बात हुई और ख़ास तौर पर रायचूर के हमारे वकील साहब हैं अनवर पटेल, वहीद अनवर पटेल साहब और मौलाना वहीद पटेल साहब और इसी तरह से मौलाना हमारे निज़ामुद्दीन साहब रशादी रायचूर के हैं, ये इन्होंने मेहनत की है ख़ास तौर पर तमाम कल्याण कर्नाटक के लिए। और फिर एक मरतबा ये गुजारिश करते हैं जिम्मेदार अहबाब से कि हमारे जो मुद्दा हैं जिनको तकमील को नहीं पहुंचाया गया है वो मुकम्मल तौर पर 2-4 दिन में तकमील तक पहुंचा दिया जाए, यही फिर से हम सब की तरफ से गुजारिश है। 6 डिस्ट्रिक्ट से तकरीबन 7 नुमाइंदे बेंगलुरु पहुँचे, अपने तमाम मसरूफियात को तर्क करते हुए मिनिस्टर साहब से मुलाकात किए। हम मशकूर हैं मौलाना जैनुल आबिदीन साहब रशादी का और जनाब जावेद अहमद ख़ान उर्फ जावेद पटेल साहब का जो हमारी दावत को कबूल किया और अपनी सरपरस्ती हम पर साथ दिया और मिनिस्टर साहब से मुतशफ़ी जवाब मिला कि हम हंसों उनका काम करेंगे। हम मशकूर हैं तमाम लोगों का जो अपनी तमाम मसरूफियात को छोड़कर हमारी दावत पर बेंगलुरु पहुँचे, अपनी तकालीफ़ को दूर किया। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि मिनिस्टर साहब ने भी बहुत ही मुतशफ़ी जवाब दिया है। चेयरमैन और
चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कर्नाटक वक्फ बोर्ड को ऑर्डर भी किया है कि इमीडिएटली ऐसा इनके मुतालबात को पूरा करें। मसला जो है ये खाजियों की और मस्जिद कमेटियों के जो इमाम निकाह पढ़ाते हैं उनके दरमियान है। असल में क्या है, ये पहले जो है ना खाजियों को मुकर्रर किया जाता था, ये हजरत टीपू सुल्तान शहीद के ज़माने से खाजियों को निकाह पढ़ाने के इख्तियार दिए जाते थे और इनको जो है वहाँ पे एक लैंड भी अलाट की जाती थी और उनकी जो है ना एक पकड़ होती थी और निकाह वही पढ़ाते थे, दफ्तर भी वही जो है अपने इसमें एहतियात में रखते थे। अब उसके बाद जो है ना हालात बदल गए हैं, आज पूरे कर्नाटक में हो या पूरे इंडिया में हो ये इख्तियार जो है मस्जिद कमेटी और मस्जिद के इमाम को हासिल हो गई है कि दफ्तर वहाँ का भी इंतज़ाम रहे और जो इमाम साहब रहते हैं वो खुद ही जाकर निकाह पढ़ाते हैं। अब जो है ना ये सारे कर्नाटक में ये चीज़ ख़त्म हो गई है, लेकिन हैदराबाद कर्नाटका में जैसा कि रायचूर, बिदर, गुलबर्गा, कोप्पल, यादगिर ये जगह के ऊपर जो है ना खाजी वो ऑफिशियली हैं या नॉन ऑफिशियली हैं, उन्होंने जो है उनके पास कोई वक्फ बोर्ड से कोई सनद वगैरह नहीं रहती, ऐसे भी खाजी हैं वो जो है ना वो बार बार अपनी चलाने की कोशिश करते हैं और इन्हों यहाँ तक कह देते हैं कि वो जो मस्जिदों में अगर निकाह पढ़ाए कोई इमाम पढ़ाए दफ्तर वहाँ का है तो ये निकाह जो है इनवैलिड है। ये जो है ना बहुत ही गलत बात है, क्योंकि सारी दुनिया के अंदर चाहे वो मक्का मदीना से लेकर सारे हिंदुस्तान में कर्नाटक में जो है ना वो मस्जिद से जो निकाहनामा दिया जाता है ये वैलिड है और वक्फ बोर्ड में इसे उसे भी अप्रूवल किया जाता है और ये चीज़ को जो है ना अब इससे गवर्नमेंट से यहाँ से ऑर्डर भी हो गया है लेकिन वहाँ जो है ना इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। ये वक्फ ऑफिसरों की भी इसमें कोताही है और वहाँ के दूसरे बहुत सारे ऐसे वो मिसयूज हो रहा है उसे निकाह पढ़ाने में दिक्कत क्या, पढ़ा लीजिए मस्जिद में। नहीं वही तो है, अब इन्हों जो है ना लोगों की जहन में डाल रहे हैं निकाह वहाँ मस्जिद में अगर पढ़ाए तो ये नाजायज है, नहीं हो सकता और उसे एक क्योंकि वो मैरिज सर्टिफिकेट नहीं देने वो क्या क्या मसले हैं, लेकिन अपनी गिरफ्त छोड़ना नहीं चाहते। किस्सा मुख्तसर ये है कि खासियत अपनी गिरफ्त छोड़ना नहीं चाहते जो जबकि वो उनकी मिल्कियत नहीं है। अब इसे जो है ना हर एक मस्जिद को और उसके वहाँ के इमाम को कमेटी को इख्तियार है कि वो निकाह पढ़ाए और निकाह का वो जो डॉक्यूमेंट है उसको मेंटेन करे, वो जो निकाह के रहती शादी शुदा उनको जब भी जरूरत पड़ती है तो उनको इश्यू करे और चाहे पासपोर्ट बनाने के ताल्लुक से हो और दूसरे के ताल्लुक से ये पावर जो है मस्जिद कमेटी को होता है। अब हमारी कोशिश और से भी जो है ना मिनिस्टर से और सीईओ से और चेयरमैन से हमारी यही गुजारिश रही वो जो वक्फ बोर्ड से एक सर्कुलर निकाले जाए एक ऑर्डर निकाला जाए कि वो जो है वो खाजियों को इतना पावर नहीं है, बेशक अगर वो जीनियन खाजी हैं अगर एक दो चार होंगे तो उनको भी निकाह पढ़ाने का इख्तियार रहता है, कोई अगर ख्वाहिश है कि उनसे निकाह पढ़ाएं तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ सकते हैं, लेकिन इसके साथ में मस्जिद कमेटी को भी इख्तियार है कि वो निकाह पढ़ाएं और जो है वहाँ के इमामत को, और हमारी यही गुजारिश है और जो है चेयरमैन सीईओ और मिनिस्टर साहब ने वादा किया है इंशाल्लाह फिर एक ऑर्डर निकालेंगे और उसके ऊपर वो इम्प्लीमेंट करेंगे। बस अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम वक्फ बोर्ड बेंगलुरु ऑफिस में आए थे जहाँ हमारे जेड जमीर साहब से मुलाकात हुई, जिस इशू पर हम आए थे कि भाई आइम्मा मसाजिद जो है वो निकाह पढ़ाने की जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये ऑर्डर आकर भी एक महीना मुकम्मल हो चुका है, इससे पहले भी ऑर्डर था कि इमाम मस्जिद निकाह पढ़ा सकता है बोलकर, क्योंकि यहाँ की जिम्मेदारान औकाफ जितनी भी हैं उनको इस बात का अच्छी तरह इल्म है कि इस मनसब का अगर सही हक अदा करने वाले अगर हैं इस रोए ज़मीन पर वो सिर्फ उलमा है, उलमा ही निकाह सही पढ़ा सकते हैं, निकाह फस्ख कैसे होता है उलमा जानते हैं, निकाह जब ख़त्म करना है तो तलाक किस तरह से दी जा सकती है ये उलमा ही जानते हैं, निकाह खुला किस तरह से होता है ये उलमा ही जानते हैं। आजकल जो लोग अपने आप को हम काजी बोलकर जो बोल रहे हैं ना वो इल्म से आशना है ना उनके पास खुला तलाक फस्ख निकाह का इल्म है, तो इसलिए यहाँ के जिम्मेदार भी जो हैं वक्फ बोर्ड के हमारे जेड जमीर साहब हैं इसी तरह से सीईओ साहब हैं ये लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि ये मसले का हल अगर है तो उलमा के पास है, तो लिहाजा गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में भी अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद के आइम्मा निकाह पढ़ा रहे हैं और जिम्मेदारान मसाजिद भी जो हैं वो अपनी अपनी मस्जिदों के अंदर आइम्मा को इजाज़त दिए हुए हैं और जिन मस्जिदों के अंदर जिम्मेदारान कमेटी अभी इजाज़त नहीं दिए हैं
उनको मैं ये कहूँगा कि वो भी इजाज़त देकर अपने आइम्मा से निकाह पढ़ा ले। और वक्फ बोर्ड ऑफिसर के बारे में अभी हमारे को ये ऑर्डर मिला है कि वो इंशाल्लाह वो निकाह की जो मैरिज सर्टिफिकेट है उसको इशू करने के लिए जमीर अहमद साहब भी और सीओ साहब ने फोन पे बात हुई, ऑर्डर दे दिए हैं उनको गुलबर्गा के लिए खासकर, क्योंकि मैं वहीं ठहरा हुआ था जब हमारे हजरत अली से बात कर रहे थे हमारे वक्फ बोर्ड के सीओ बेंगलुर के, तो लिहाजा उन्होंने इकरार किया है कि भी हम देंगे बोलकर। तो ये इस तरह से बात अल्हम्दुलिल्लाह हुई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि भाई जिन अहबाब जिन डिस्ट्रिक्टों से यहाँ उलमा आए हैं 6 डिस्ट्रिक्ट से, उन तमाम का भी मैं शुक्रगुजार हूँ और यहाँ के जिम्मेदारों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज में हमारा इस्तकबाल भी किया और हमारी बात को भी सुना और हमारे मेमोरेंडम को भी लिया है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इत्तेहाद की सूरत ये हो सकती है कि जैसे यहाँ ऑर्डर हो रहा है उस पर सब अमल कर लेंगे तो इत्तेहाद हो जाएगी, लेकिन वो इसलिए हटने तैयार नहीं हैं कि उसमें आमदनी के खर्चे उनके ख़त्म होने जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर फैसले गलत भी कर रहे हैं, खुला लेने के लिए 1 लाख रुपए लड़के वाले की तरफ से, लड़कियों से 50,000 रुपये, और फिर जो है नहीं वैसा नहीं हो रहा है, दारुल ख़ज़ा में नहीं हो रहा वैसा, नहीं नहीं वो तो ख़त्म हो गया, वो वैसे हो गया, बोल रहा हूँ ये तो इस तरह कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से जो है इनके ख़त्म करने के लिए यहाँ से कोशिश की जा रही है कि ये काम ना करें, सही काम सही रुख पर चले। ऐसा ही सूरत हो सकती है कि काजी को भी इख्तियार हो, मस्जिद कमेटियों को भी इख्तियार हो और दोनों की भी जो है सर्टिफिकेट काबिल कबूल हो। जी वही चाह रहे हैं, वही चाह रहे हैं हम लोग यही चाह रहे हैं कि काजी वाकईतन गवर्नमेंट का हो, खुद साख्ता ना हो, अपने आप को खुद साख्ता ना हो, गवर्नमेंट से अपॉइंट है हम इसे कबूल करते हैं, ये खुद साख्ता बनकर भाई डाखाजी बोल के इस तरह लूटिंग करना ये मुनासिब नहीं है। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय मनूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हाईली क्वालिफाइड एंड वेल एक्सपीरियंस डॉक्टर्स टीम फॉर इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर 24/7 एट बारी हिल सर्कल रिंग रोड गुलबर्गा।